हेलो दोस्तों। और यार इतनी ज़्यादा गर्मी ना इस हेलमेट की वजह से कि पूछो ही मत, और बाल वगैरह इग्नोर करना। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी अच्छा हूँ। और आप सभी को मैंने पिछले ब्लॉग में बता ही दिया था कि क्यों इतना लेट आता है। आपको संडे को ब्लॉग शूट करता हूँ, उसके बाद मंडे को आप लोग को मिलता है। तो ये है आज की ब्लॉग की न्यू बाइक, तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। तो आइए, तो ये बाइक जो है रॉयल एनफील्ड का है, और इधर देख लो मैट्योर 350। और तो ये बाइक मेरे बड़े भैया का है, और आज संडे है, तो संडे जो है छुट्टी का दिन, तो और आज घूमना है, और आज ना संडे इसमें ही बीतेगा पूरा। तो आप लोग को आज संडे का पूरा ब्लॉग इसमें देखने को मिलेगा, कैसा है ये बता देना। आपको सिनेमैटिक दिखाता हूँ, तो चलिए पहले आप सिनेमैटिक देखिए। बाइक को आप लोगों ने देख लिया होगा कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी मैं आप लोग को बताता हूँ इस बाइक की प्राइस। अभी अगर आप अभी लेना चाहते हैं रायपुर सिटी से, तो अभी इसका प्राइस है 240 लाख। और अगर किस्त में अगर लेते हैं आप, तो आपको 1 ईयर की अगर करते हैं और मंथली आपको 5 या फिर 8 हज़ार देना पड़ेगा, और उसकी होगी पूरी एक साल की 2,80,000 पड़ेगी। और नगद लेते हैं आप तो 2,40,000 में मिल जाएगा ये। तो यार अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, अभी पेट्रोल वगैरह भी डालाना है थोड़ा, उसके बाद टाउन सिटी में घूमते हैं रायपुर में, और इसका माइलेज वगैरह आपको बताऊँगा और कितना क्या है आपको डिटेल बताऊँगा थोड़ा सा। तो चलिए चलते हैं। तो यार अभी अपन पहले फर्स्ट पेट्रोल डलाता हूँ, 2 पॉइंट है बट डलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपने को बाहर थोड़ा राइड भी करना है और इधर उधर भी जाना है, आपको व्लॉग भी दिखाना है। और तो चलिए पहले पेट्रोल डलाता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो भाई अभी शाम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, और धूप की वजह से मैं दोपहर को जाके खाना वाना खा के सो गया था थोड़ा, उसके बाद अभी फिर से निकला। तो अभी मैं देख सकते हो सनसेट यहाँ अभी कैसा है, कुछ ऐसा है यहाँ सनसेट। और अभी मैं कमल विहार साइड में हूँ, तो रास्ता कुछ खाली खाली है, और ये है बाइक। और इसकी आपको कुछ बातें बताऊँ, सिटी में इसका माइलेज कितना है क्या है ये सभी आपको बताता हूँ। तो यार इसका आप लोग को माइलेज, अगर सिटी में आप टाउन में इसका चलते हो तो इसको मिनिमम 20 तो देगा ही, और हाईवे में अगर चलाते हो तो 25 तक का, 25 या 30 दे सकता है। तो कंफर्म तो इतना नहीं है क्योंकि आज ही बस ये चला रहा हूँ, तो
और भैया से पूछा तो भैया बोलते कि 20 तक देता है घर के टाउन में, मतलब सिटी अंदर, तो 20 का माइलेज देता है। और बाकी तो यार ओवरऑल कंडीशन इसका, मतलब बाइक में कंफर्ट का बोलूँ तो एक नंबर है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यार दो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए, टूर के लिए। तो यार व्लॉग बना रहा था, ये पप्पी प्यारा सा मिला, देखो किस कैसा है, इतना छोड़ूंगा कैसे करता फिर। सुबह से शाम हो गया, आज हेलमेट को पहने पहने, और अभी यार वीडियो मुझे बता देना कैसा है और बाइक भी कैसी लगी आप लोग को बता देना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।